आने वाले कुछ सालों में दिल्ली से लखनऊ का सफर और आसान होने वाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अभी जल्द ही लखनऊ से दिल्ली के बीच नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद लखनऊ और दिल्ली के बीच सड़क मार्ग का सफर मात्र 3.5 घंटे का रह जाएगा, जबकि अभी यमुना और ताज एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ से दिल्ली तक जाने में 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली लखनऊ के बीच बनने वाले इस नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर सरकार की योजना क्या है, साथ ही समझेंगे भारत में कुल कितनी तरह की सड़कें बनती हैं और इन सब में क्या अंतर होता है। आज के इस वीडियो की शुरुआत करें, पर उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। दिल्ली से लखनऊ की दूरी अलग अलग रास्तों के जरिए करीब 550 से 600 किलोमीटर की है, पर इस नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बनने के बाद लखनऊ से दिल्ली की दूरी घटकर 450 किलोमीटर ही रह जाएगी। दरअसल लखनऊ से दिल्ली तक जाने वाला ये एक्सप्रेसवे पहले लखनऊ से कानपुर और फिर कानपुर से गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ेगा। अगर आप जानते हो तो लखनऊ से कानपुर तक पहले से ही एक्सप्रेसवे बनाए जाने की योजना चल रही है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे लखनऊ के शहीद पथ से शुरू होकर कानपुर के आजाद चौराहे तक जाएगा। आगे इसी एक्सप्रेसवे को अब गाजियाबाद से जोड़ने की तैयारी है। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली से लखनऊ तक के लिए बनाए जाने वाले इस नए एक्सप्रेसवे का काम 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में गाजियाबाद से कानपुर और दूसरे चरण में कानपुर से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। एक हिसाब से देखा जाए तो अगले कुछ सालों में बनकर तैयार होने वाले लखनऊ दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ से दिल्ली के सफर में हवाई मार्ग से भी कम समय लगेगा, क्योंकि अभी भी अगर फ्लाइट से लगने वाले ओवरऑल समय को कैलकुलेट किया जाए तो इसमें कुल 4 से 5 घंटे का समय लग ही जाता है। ऐसे में दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे के बनने के बाद सड़क मार्ग से भी आवागमन काफी सुगम हो जाएगा। जहां तक बात इस एक्सप्रेसवे के काम की है तो अभी सिर्फ भूमि पूजन की सूचना है। इस एक्सप्रेसवे को बनने में अभी कई साल लगने वाले हैं। यहां पर आपको दिल्ली से लखनऊ के बीच बनने वाले एक्सप्रेसवे को ग्रीन या फिर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में बताएं तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ऐसे एक्सप्रेसवे होते हैं जिसमें सब कुछ नए तरीके से किया जाता है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए नई जमीनें ली जाती हैं। इस तरह के एक्सप्रेसवे घनी बस्ती वाले इलाकों से दूर खेतों और मैदानों से होकर निकलते हैं। इसके अलावा इस तरह के एक्सप्रेसवे में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाती है। आइए अब आपको बताते हैं भारत में मौजूद सड़कों, उनके प्रकार और इन सब में क्या क्या अंतर होता है। सड़क दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए एक ऐसा साधन है जिसके जरिए परिवहन, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इकोनॉमी के संदर्भ में देखा जाए तो किसी भी देश का रोड सिस्टम उस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसा इतना विशाल देश रोड नेटवर्क के मामले में टॉप के देशों में शुमार है। यहां मुख्य रूप से आर्थिक विकास परिवहन पर ही निर्भर करता है, इसलिए भारत में रोड नेटवर्क की इन जरूरतों को देखते हुए कई तरह की सड़कों का निर्माण हुआ है। इनमें सबसे पहले नंबर पर है एक्सप्रेसवे। इसमें अमूमन 6-8 या उससे अधिक लेन की सड़कें होती हैं। एक्सप्रेसवे एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्य के अलग अलग हिस्सों को राज्य की राजधानी से जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। इनके निर्माण और रखरखाव का काम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसमें दूसरी सड़क है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज। ये ऐसी सड़कें होती हैं जिन्हें राजमार्ग का दर्जा मिला होता है। ये सड़कें भी भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों को जोड़ने का काम करती हैं। इनके रखरखाव और निर्माण में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवेज तीसरी तरह की सड़कें हैं। ऐसे राजमार्ग होते हैं जो किसी राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों, जिला स्थानों और प्रमुख शहरों को जोड़ते हैं। इसके अलावा स्टेट हाईवेज भी आसपास के राज्यों को जोड़ने का काम करते हैं। आपको बता दें कि राज्य राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य के लोक निर्माण विभाग की होती है। सड़क के चौथे प्रकार में जिला सड़कें यानी कि डिस्ट्रिक्ट रोड शामिल होती हैं। ऐसी सड़कें होती हैं जो राज्य के जिला परिषदों, जिला मुख्यालयों और छोटे बड़े शहरों को जोड़ती हैं। इसके अलावा जिला सड़कें राज्य राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों से भी जुड़ती हैं। इस तरह की सड़कों के निर्माण और रखरखाव का जिम्मा जिला परिषद के पास होता है और इसे जिला प्राधिकरण और नगर प्रशासन द्वारा पूरा किया जाता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी राज्य की जिला सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार ही अनुदान देती है और सड़कों की इस लिस्ट में सबसे जरूरी और आखिरी स्तर की सड़कों के रूप में पंचायत या फिर ग्रामीण स्तर की सड़कें शामिल होती हैं। इन्हें रूरल रोड्स भी कहा जाता है। ऐसी सड़कें होती हैं जो किसी भी गांव को जिले की सड़कों से जोड़ती हैं। ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय जिला अधिकारी के पास होती है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट बातेंupi.com पर विजिट करना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।